दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि गोल्ड यानी सोना हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कीमती धातुओं में से एक होता है। लेकिन सोने को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, या पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य धातुओं से किस प्रकार अलग होता है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सोने से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में यकीनन आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मजेदार वीडियो को। नंबर 10, गोल्ड इज एवरीवेयर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सोना दुनिया की चंद खास जगहों और देशों में ही पाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सोना एक ऐसा धातु है जो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद होता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी मात्रा कम होती है तो कुछ जगहों पर काफी ज्यादा। अफ्रीका और एशिया दो ऐसे महाद्वीप हैं जहां सोना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सोना दुनिया में हर जगह पाया जाता है तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। असल में इसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि पृथ्वी से सोना हासिल करना कोई प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी वजह यह है कि अन्य आम धातुओं की तुलना में सोना पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा कीमती बन जाता है। नंबर 9, 24 कैरेट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोने की शुद्धता को कैरेट की इकाई में मापा जाता है। 24 कैरेट सोना दुनिया का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, जिसमें किसी भी अन्य धातु का कोई मिश्रण नहीं होता। ये संख्या जैसे जैसे 24 से नीचे की तरफ जाती है, वैसे वैसे सोने की शुद्धता कम होती जाती है। दुनिया का सबसे कम शुद्ध सोना 9 कैरेट का होता है, जिसमें सोने की मात्रा सिर्फ 37.5% और अन्य धातुओं की मात्रा 62.5% होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैरेट शब्द कहां से आया? दरअसल प्राचीन अरबी लोग चीजों को तोलने और उनका वजन करने के लिए कैरब के एक बीज का इस्तेमाल करते थे। उस समय वजन को ग्राम, मिलीग्राम या किलो में नहीं तोला जाता था, बल्कि चीजों का वजन कैरब में किया जाता था। खासतौर पर महंगे आभूषणों और धातुओं को तोलने के लिए कैरब के बीज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कैरब को कैरेट में बदल दिया गया। नंबर 8, गोल्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सोना इंसान के शरीर में भी मौजूद होता है। समय समय पर यह बात साबित की गई है कि इंसान के शरीर के विभिन्न अंगों में सोना पाया जाता है। इंसान के शरीर में पाए जाने वाले ये गोल्ड पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना भी संभव नहीं हो पाता। कुछ साल पहले एक स्टडी में पाया गया कि सोने के ये सूक्ष्म कण इंसान के सर के बालों में मौजूद होते हैं। बालों की जड़ों में मौजूद सोने के इन सूक्ष्म कणों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनको गिन पाना भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक स्टडी में यह भी पाया गया कि इंसान के दिल के अंदर भी सोने के ये सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि इंसान के शरीर में सोने की सबसे ज्यादा मात्रा दिल के अंदर ही पाई जाती है। एक 70 किलोग्राम वजन वाले इंसान के शरीर में औसतन 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है। नंबर 7, गोल्ड कैन बी इटन। ये बात शायद आपको काफी अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह सत्य है कि सोने को खाया भी जा सकता है। हालांकि इसको ठोस रूप में नहीं खाया जा सकता, बल्कि पाउडर और पतले वर्क के रूप में जरूर खाया जा सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे महंगे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं जो अपने मेन्यू में सोने से बने पकवान ऑफर करते हैं। खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ये सोना साधारण सोने से अलग होता है। इस खास किस्म के सोने को E175 का नाम दिया गया। खाने में इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये सोना पूरी तरह शुद्ध है या नहीं, ताकि इंसान के शरीर में जाने के बाद ये किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह न बन जाए। दुनिया के बहुत से पकवानों में सोने को पाउडर और वर्क की शक्ल में ऊपर से सजावट करने के लिए डाला जाता है। सोने से बने इन महंगे पकवानों की कीमत लाखों रुपए में होती है। नंबर 6, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। ये बात कुछ लोग शायद पहले से जानते होंगे कि सोना दुनिया के सबसे मजबूत धातुओं में से एक होता है। ये इतना मजबूत होता है कि इसको नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। जहां दूसरे मेटल्स को अत्यधिक हीट और कुछ रासायनिक पदार्थों की मदद से नष्ट किया जा सकता है, वहीं सोने पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। अत्यधिक हीट पर सोने को पिघलाकर कोई दूसरा आकार तो दिया जा सकता है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट ने हर प्रकार से इसको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा करना लगभग असंभव है। इसके साथ ही सोने पर हवा, पानी, नमक और अन्य किसी केमिकल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सोने का द मोस्ट नोबल ऑफ ऑल मेटल्स कहा जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर आज तक जितना भी सोना खोजा और पाया गया है वो अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। नंबर 5, गोल्ड इज डक्टाइल। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सोने को हाथ में लेकर तो जरूर देखा होगा। हाथ में पकड़ने पर लगता है कि सोना बहुत कठोर होता है, और अगर इसको बैंड यानी मोड़ा जाए तो वो टूट जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। असल में सोना बहुत ही कोमल और नमनीय धातु होता है।
सोना इतना कोमल होता है कि उसका बेहद बारीक धागा भी बनाया जा सकता है। बताया जाता है कि 28 ग्राम सोने से 80 किलोमीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने कपड़ों में इसी प्रकार के सोने के धागे का इस्तेमाल करवाते थे। इस धागे से कपड़े के ऊपर कढ़ाई का काम भी किया जा सकता है। आज भी दुनिया के बहुत से अमीर लोग सोने के धागे या तार से बने हुए कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। हमारे भारत में भी सोने से बने कपड़ों के बहुत से मामले देखे जा चुके हैं। नंबर 4, गोल्ड नगेट। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर सोना बहुत छोटे छोटे कणों में मौजूद है। पृथ्वी से सोना निकालने वाले लोग इन छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें बहुत समय व्यतीत होता है। लेकिन कई बार कुछ भाग्यशाली लोगों को यह सोना पृथ्वी से एक बड़ी डली के रूप में मिल जाता है। सोने की इस डली को गोल्ड नगेट कहते हैं। गोल्ड नगेट पूरी तरह शुद्ध सोने से बने हुए होते हैं। इतिहास में बहुत बार लोगों को बड़े बड़े गोल्ड नगेट मिल चुके हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड नगेट साल 1869 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में पाया गया था। इस विशाल गोल्ड नगेट का वजन 72 किलोग्राम था। उस समय इस गोल्ड नगेट का नाम वेलकम स्ट्रेंजर रखा गया। आज 150 साल बीत जाने के बाद भी ये गोल्ड नगेट अब तक का पाया गया सबसे बड़ा गोल्ड नगेट बना हुआ है। आज के समय के हिसाब से इस गोल्ड नगेट की कीमत करोड़ों रुपए है। नंबर 3, गोल्ड वेंडिंग मशीन। आप में से बहुत से लोग वेंडिंग मशीन के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत से लोगों ने इन वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया होगा। आमतौर पर वेंडिंग मशीन खाने पीने की चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे, दुनिया की एक ऐसी वेंडिंग मशीन भी मौजूद है जो खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि सोना बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अनोखी वेंडिंग मशीन अबू धाबी के एमिरेट्स पैलेस होटल में लगाई गई है। इस मशीन का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से शुद्ध 24 कैरेट सोना खरीदा जा सकता है। इस मशीन से आप सोने से बने 320 प्रकार के विभिन्न आइटम्स जैसे कि सोने के सिक्के और गोल्ड बार आदि खरीद सकते हैं। सोना खरीदने के लिए आपको इस मशीन में कैश या फिर अपने बैंक कार्ड से पेमेंट करना होता है और उसके बाद सोने का जो भी आइटम आप सेलेक्ट करते हैं वो मशीन से बाहर आ जाता है। नंबर 2, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक ऑफ गोल्ड। आमतौर पर हम सभी लोग सोने को दो ही जगहों पर देखते हैं, एक तो सुनार की दुकान में या फिर किसी व्यक्ति द्वारा पहने हुए आभूषण के रूप में। इसके अलावा सोना हमें कहीं और दिखाई नहीं देता। क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि दुनिया में सोने का सबसे बड़ा स्टॉक पाइल यानी भंडार कहाँ पे है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहीं और नहीं बल्कि एक बैंक के अंदर मौजूद है। इस बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। ये बैंक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस बैंक के अंदर लगभग 5,50,000 शुद्ध सोने से बनी गोल्ड बार मौजूद है। ये इतना ज्यादा सोना है कि इसको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। इस सोने के भंडार में 2-5% तक का हिस्सा अमेरिका का है और बाकी कुछ दूसरे अन्य देशों का। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में मौजूद प्रत्येक धातु का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। धातु को जब उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। दुनिया भर में धातुओं से बनी सभी चीजों को इसी तरह पिघलाकर बनाया जाता है। अन्य सभी धातुओं की तरह सोने का भी अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे देखने में ऐसा नहीं लगता लेकिन सोने का मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली धातुओं से काफी ज्यादा होता है। जहां अन्य धातु आमतौर पर 1000 से 1500 फारेनहाइट के बीच पिघल जाते हैं, वहीं गोल्ड 1945 फारेनहाइट पर पिघलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही सोने का बॉइलिंग पॉइंट भी अन्य कई धातुओं से कहीं ज्यादा होता है। सोने का बॉइलिंग पॉइंट 4892 फारेनहाइट होता है। इतने ज्यादा तापमान पर जरा सी भी गलती इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। हम मिलेंगे ऐसी और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।